दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पारा चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए प्रचंड गर्मी और भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। इन 5 राज्यों में सोमवार को औसत अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भीषण लू के चलते सुबह से ही दिन तपने लगेगा, जनजीवन प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में भी 5 दिन लू के आसार हैं। पारा 2 से 3 डिग्री तक चढ़ेगा। अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई, पर लू के अलर्ट के मद्देनजर स्कूलों का समय बदल दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई तक दक्षिण भारत में बहुत भारी वर्षा की उम्मीद है। केरल में सोमवार से बारिश शुरू भी हो गई। 2 दिन यहां भारी बारिश का अनुमान है, जिससे भूस्खलन और महामारी की आशंका के बीच आपातकाल केंद्रों, अस्पतालों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप बात करें स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम IMD का क्राइटेरिया बताएं, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं, लेकिन टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाते हैं। दूसरा हमारा IMD का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, जहां भी टेम्परेचर 47 तक है, पंजाब, हरियाणा, वहां भी 45 प्लस है। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी, तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा।